गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले को लेकर सीएम विजय रूपानी आश्वासन दे रहे हैं कि हमलावरों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई तो दूर बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला वडोदरा के खोदियार और नागर से सामने आया, जहां उत्तर भारतीयों पर स्थानीय लोगों ने हमला किया। गुजरात में गैर गुजरातियों का गुजारा करना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। प्रशासन आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है। सीएम रूपानी का कहना है कि गुजरात में हर शख्स सुरक्षित है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोगों पर हो रहे हमलों को लेकर गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ मैसेज भेजने वालों की जाँच की जा रही है। गुजरात के विकास को अवरुद्ध करने वाले किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम से लेकर मंत्री तक आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन हो इससे बिल्कुल उलट रहा है। गुजरात के विकास में अहम योगदान करने वालों पर ही वार किए जा रहे हैं। आज भी वडोदरा में गैर गुजरातियों पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां खोदियार और नागर में उत्तर भारतीयों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस इलाके में ज्यादातर उत्तर भारत के लोग ही रहते थे। इस इलाके में उपद्रवियों ने 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस ने इस मामले में करीब 25 हमलावरों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन सवाल उठता है कि दावों से इतर क्यों बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जब से साबरकांठा में ठाकुर समाज की लड़की से दुष्कर्म के मामले में बिहार के युवक की गिरफ्तारी हुई है, तब से अब तक महसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद के चांदखेड़ा, अमराईवाड़ी, बापूनगर और ओढ़व में हिंदी भाषियों पर हमले के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस का कहना है कि अब तक 533 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुल 61 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन आज सामने आई तस्वीरों के बाद विपक्ष का वार तेज होने वाला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।